गुड इवनिंग, सिट डाउन, बैठ जाइए, साउंड बढ़ाइए। चलिए साउंड और कम करिए। क्वेश्चन कहाँ तक करवा दिया गया था बच्चों? टाइप मिसलेनियस कराना है। चलिए 111 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा मिसलेनियस का। यूपीएसआई वाले बच्चे भी ध्यान से देखें, एक एक सवाल ओरल लगाने की कोशिश करें। डी व्यास वाले एक पाइप के द्वारा कोई पानी की टंकी 40 मिनट में खाली की जाती है, तो 2D व्यास वाले पाइप को उसे खाली करने में कितना समय लगेगा? तो सबसे पहले इनके पाइप के क्षमताओं का अनुपात हम पता कर लें, सही है? तो देखिए, ये पहला पाइप हो गया और ये दूसरा पाइप हो गया। तो ध्यान से देखिए, इनकी जो त्रिज्याओं का अनुपात होगा वो होगा आपका 1:2। श्योर है? क्यों 1:2 होगा? व्यासों का अनुपात 1:2 है, तो इनके त्रिज्याओं का अनुपात भी 1:2 होगा। तो इनकी इफिशियंसी का जो रेशियो होगा वो इसका क्या होगा? स्क्वायर होगा, 1:4 होगा। एक की क्षमता से कितनी देर में खाली हो रही है टंकी? 40 मिनट में खाली हो रही है। तो चार की क्षमता से टंकी T2 समय में खाली होगी, तो T2 बराबर क्या? 10 मिनट। ये आपका आंसर है, T2 बराबर 10 मिनट, ये आपका आंसर है। हर एक बच्चा नोट कर ले, सही है? क्लियर है बच्चों? हर एक बच्चा ध्यान दे जिम्मेदारी से, सही हो गया? अब आइए अगले क्वेश्चन पे। 112 नंबर का क्वेश्चन है, तीन नलों की त्रिज्याएं 2 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर हैं। नलों में बहने वाले पानी उनकी त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती हैं। यहां बोल भी रखा है, यदि तीनों नल मिलकर एक टंकी को 18 मिनट में भरते हैं तो सबसे पतला नल अकेले उसे कितने मिनट में भर देगा? तो ध्यान से देखिएगा, तीन नल है, पहला नल, ये दूसरा नल है और ये तीसरा नल। इनकी त्रिज्याओं का अनुपात जो है वो 2:3/2:2 क्या होगा? 3 होगा, मतलब 4:3:6 होगा। ये त्रिज्याओं का अनुपात है, तो इनकी क्षमताओं का अनुपात इनका वर्ग होगा सीधे सीधे। तो इफिशियंसी का रेशियो क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर कितना आएगा? 16:9:36। ये इनकी इफिशियंसी का रेशियो हो गया। तो पूरी क्षमता जब लग जा रही है तो कितनी देर में टंकी आपकी भर रही है? 18 मिनट में। तीनों मिलकर 18 मिनट में भर रहे हैं, यानी कि पूरी क्षमता से भर रहे हैं, तीनों की कुल क्षमता से भरा जा रहा है 18 मिनट में। तो पूरी क्षमता इनकी कितनी हो जाएगी? 63। तो 61, तो 61 की क्षमता से भरा जा रहा है 18 मिनट में। तो सबसे पतला वाला पाइप क्या होगा? यही होगा 3/2 वाला, जिसकी त्रिज्या छोटी है वही पतला पाइप होगा। जिसकी त्रिज्या छोटी होगी वही तो पतला पाइप होगा आपका। तो 3/2 सबसे छोटी त्रिज्या है, तो इसका यही सबसे पतला पाइप, तो इसकी क्षमता भी क्या है? 9 ही है। तो 9 की क्षमता से कितनी देर में भरा जाएगा? T2 समय में। तो T2 बराबर 122 मिनट में। ये आपका आंसर है, नोट कर लीजिए। 112 नंबर का क्वेश्चन है ये, हर एक बच्चा नोट कर ले, 112 नंबर का ये क्वेश्चन है। समझ में सब आया है वर्क एंड टाइम अभी तक? अच्छे से आया है? क्या है? 61 कहां से आया? जोड़ेंगे तब इसकी पूरी क्षमता आएगी। पूरी क्षमता तीनों मिलकर भर रहे हैं ना 18 मिनट में, तो संयुक्त क्षमता कंबाइंड इफिशियंसी क्या हो जाएगी? ऐड करेंगे तो इनको ऐड करने पर ये 60 बना रहा है। तो 61 की क्षमता से 18 मिनट में भरा जा रहा है, तो 9 की क्षमता से कितनी देर में भरा जाएगा बताइए? T2 मिनट में भरा जाएगा। तो T2 बराबर आ रहा है 122 मिनट। ये आपका आंसर है। चलिए आ जाइए 113 नंबर के क्वेश्चन पे, सभी बच्चे आ जाएं 113 पे। हर एक बच्चा ध्यान दे, 113 पे आइए। किसी टंकी में 8 नल लगे हुए हैं, कितने नल लगे हुए हैं? 8।
उसमें से कुछ पानी भरने के लिए है और शेष पानी बाहर निकालने के लिए है। पानी भरने वाला प्रत्येक नल टंकी को 12 घंटे में भर सकता है और पानी बाहर निकालने वाला नल इसे 36 घंटे में खाली कर सकता है। सभी नल एक साथ खोलने पर टंकी 3 घंटे में भर जाती है। पानी भरने वाले नलों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से देखिएगा, इनलेट पाइप कुछ हैं, 12 घंटे में एक इनलेट पाइप अकेले टंकी को भर सकता है। आउटलेट पाइप भी कुछ हैं और आउटलेट पाइप एक अकेला आउटलेट पाइप 36 घंटे में टंकी को खाली कर सकता है। पूरा काम 36 हो जाएगा, एक घंटे का काम 3 और एक घंटे का काम 1 माइनस में। अब यहां मान लेंगे, माना भरने वाले पाइप की संख्या बराबर x, तो खाली करने वाले पाइप की संख्या क्या होगी, 8 माइनस एक्स। आ गया समझ में, 8 माइनस एक्स। कोई प्रॉब्लम किसी को आ रही बात समझ में? चलिए ध्यान से देखिएगा, भरने वाले पाइप की संख्या x और खाली करने वाले पाइप की संख्या 8 माइनस एक्स, ये दोनों मिलकर टंकी को कितनी देर में खाली कर रहे हैं ये बताइए। भर रहे हैं 3 घंटे में भर रहे हैं, तो दोनों का एक घंटे का काम, मतलब जितने भी भरने और खाली करने वाले पाइप हैं उन सब का एक घंटे का काम क्या होगा, 36/3। 36/3 यानी कि क्या होगा, 12 यूनिट। तो उसी एक घंटे के काम पे ही करेंगे। देखिएगा, कुल भरने वाले पाइप की संख्या क्या है, एक्स है। तो मान लिया कुल एक्स पाइप है, तो एक पाइप 3 यूनिट भरता है, तो एक्स पाइप कितना भरेंगे, 3x यूनिट भरेंगे, सही है। कुल भरने वाले पाइप की संख्या x है, तो एक पाइप 3 यूनिट भरता है, तो x पाइप कितना भरेंगे, 3x यूनिट भरेंगे, श्योर है। और देखिएगा, एक खाली करने वाला पाइप एक यूनिट खाली करता है, तो कुल कितने हैं, 8 माइनस एक्स पाइप है, 8 माइनस एक्स पाइप है, ये कितना खाली कर देंगे, गुड़े माइनस एक खाली कर देंगे। अब इन दोनों कामों को अगर ऐड किया जाए तो सभी खाली करने और भरने वालों का एक घंटे का काम आएगा, और वो एक घंटे का काम किसके बराबर होगा, 36/3 यानी कि 12 के भी। भाई सबने मिलकर 3 घंटे में भरा है ना, पूरा 36 यूनिट 3 घंटे में भरा गया है, बताइए 3 घंटे में भरा गया है, तो एक घंटे का काम 36/3 सबका, तो आ जाएगा 12 यूनिट। या इसी में मल्टीप्लाई करके 3 से, इसी में ब्रैकेट लगा के 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो भी वो किसके बराबर हो जाएगा, 36 के, पूरा काम के। ये एक घंटे का काम है ना, एक घंटे का काम, बताइए ये एक घंटे का काम है, अगर इसमें 3 से गुणा कर देंगे तो पूरा काम हो जाएगा कंप्लीट, और वो किसके बराबर, 36 के बराबर आएगा। ऐसे कर सकते हैं, हल करेंगे तो x बराबर क्या, x बराबर 5 आ रहा है। इस तरीके से आराम से कर लीजिए, GTO भी कर सकते हैं लेकिन जरूरत नहीं है, ये जब तक GTO करेंगे तब तक इस तरीके से एकदम सिंपल सा इक्वेशन सॉल्व करके आप आंसर दे देंगे, विदाउट कंफ्यूजन, ठीक है, सॉरी विदाउट कंफ्यूजन, ठीक हो गया। बताइए बच्चों, सब सही है, आ रहा है समझ में? एलिगेशन लगा दे तो भी हो जाएगा, फाइनली एलिगेशन से भी इसके क्वेश्चन लगते हैं, क्योंकि मिश्रण तो तैयार हो ही रहा है, जरूरत नहीं है, मैं नहीं कराता एलिगेशन पे। चलिए देखिए, अब इसके बाद है देखिए, 10 सेंटीमीटर व्यास वाले एक पाइप के द्वारा कोई पानी की टंकी 40 मिनट में खाली की जा सकती है, तो 5 सेंटीमीटर व्यास वाले पाइप को उसे आधा खाली करने में कितना समय लगेगा, यह क्वेश्चन है आपका। तो ध्यान से देखिएगा, इनकी क्षमताओं का अनुपात देख लेते हैं क्या है, पहले तो त्रिज्याओं का अनुपात ले लें, तो क्या होगा बच्चों, 10/2 और 5/2, तो त्रिज्याओं का अनुपात कितना आ गया बताइएगा, 10:2 मतलब 2:1 आ गया त्रिज्याओं का अनुपात, 2:1।
इफिशियंसी का रेशियो क्या आ जाएगा, 4:1। अब क्या बोला है कि 10 सेंटीमीटर व्यास वाला यानी कि अधिक क्षमता वाला पाइप पानी की टंकी को 40 मिनट में खाली कर सकता है, तो 4 की क्षमता से टंकी खाली हो रही है 40 मिनट में, और काम पूरा क्या है, 1 है। W1 क्या होगा, यहां 1 होगा। अब यहां देखिए, बोला गया है कि जो कम क्षमता वाला पाइप है यानी कि जो पतला पाइप है उसके द्वारा आधी टंकी कितनी देर में खाली होगी, तो 1 की क्षमता से टंकी खाली होगी T2 मिनट में, और खाली कितना करना है, 1/2 टंकी खाली करनी है, आधी टंकी खाली करनी है, तो T2 बराबर क्या क्या 80 मिनट। ऐसे अगर पूरा ही खाली कराए होते तो कितना आता, 160 मिनट आता, तो आधी के लिए डायरेक्ट बोल देते कितना 80 मिनट। लेकिन खैर पैटर्न हमने उठा लिया, M1 T1 upon W1 = M2 T2 upon W2, ये पैटर्न उठा लिया गया है मेरे द्वारा। कहीं परेशानी किसी बच्चे को, पीछे तक बताइए, आप लोगों आ रहा है समझ में, क्यों मेरे बच्चों बताइए, क्लियर हो रहा है, नहीं कोई कुछ बोल रहा है, आ रहा है ना। अगर हम पूरा ही खाली कराए होते तो 160 मिनट लगता, लेकिन खाली आधा कराना है तो सीधे आधा समय लगेगा यानी कि 80 मिनट। या M1 T1 upon W1 = M2 T2 upon W2 लगा लीजिए, उससे हो जाएगा आपका। आइए 115 नंबर का क्वेश्चन है, 115। कल से लैब को भी सेट करिए अनिल, ST कल परसों से शुरू करानी है लैब, कल से जनरेटर ऑन होगा उससे लैब चलेगा, तो उसको सेट करिए। चलिए देखिए 115 नंबर का क्वेश्चन है, पाइपों की त्रिज्या के वर्ग के अनुसार पाइप में पानी के प्रवाह की दर का अनुपात प्रतिलोमित बदलता है। इसका मतलब जिसकी त्रिज्या कम होगी उसमें प्रवाह की दर ज्यादा होगी। देखा होगा आप लोगों ने जब पाइप का मुंह दबाते हैं तो पानी तेजी से निकलता है कि नहीं, जैसे ही उसकी त्रिज्या छोटी कर देंगे, क्रॉस सेक्शन छोटा हो जाएगा, उसके प्रवाह की दर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, यानी कि पानी जो होगा वो रैपिडली फोर्सफुली निकलने लगेगा कि नहीं निकलेगा, होता है कि नहीं ऐसा कभी आप, ये तो दैनिक जीवन का उदाहरण है, पाइप का मुंह दबा दीजिए तो पानी क्या होगा, तेजी से निकलने लगेगा। वही चीज यहां भी बोला है कि जो पानी के प्रवाह की दर है वो त्रिज्या के वर्ग के अनुसार प्रतिलोमतः परिवर्तित होता है, यानी कि इनवर्सली चेंज हो रहा है। प्रतिलोम मतलब उल्टा, प्रतिलोम मतलब उल्टा, इनवर्स तो इनवर्सली चेंज हो रहा है, मतलब त्रिज्या का वर्ग अगर कम होगा तो बताइए प्रवाह की दर उसमें ज्यादा होगी, ये कहना चाहता है, ये कहना चाहता है, समझिएगा ये चीज, ये नई बात है यहां पर, ये क्वेश्चन नया है आपका, ये नई बात है, भाषा के अकॉर्डिंग आप आंसर दे रहे हैं। जो प्रवाह की दर है यानी कि स्पीड ऑफ फ्लो है वो इनवर्सली चेंज हो रहा है रेडियस के स्क्वायर के, यानी कि रेडियस का स्क्वायर अगर कम होगा तो स्पीड ऑफ फ्लो ज्यादा होगा, और अगर रेडियस का स्क्वायर ज्यादा होगा, मुंह बड़ा होगा, तो स्पीड ऑफ फ्लो क्या होगा, कम होगा। आ रहा है समझ में, क्लियर है, ये दैनिक जीवन का उदाहरण है आपका। तो बोला गया है 2 सेंटीमीटर व 4 सेंटीमीटर व्यास वाले दो पाइपों में पानी के प्रवाह का अनुपात कितना होगा, तो देखिएगा पहले त्रिज्याओं का जो अनुपात है वो क्या है, आपका 2:4 है, यानी कि 1:2 है, तो ये आपके पहले पाइप और दूसरे पाइप की त्रिज्या है, तो पहले पाइप और दूसरे पाइप की जो स्पीड का रेशियो होगा, स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ वॉटर, ये क्या हो जाएगा, इसका उल्टा का वर्ग, तो 2 का स्क्वायर = 1 का स्क्वायर कितना आएगा, 4:1, इसका वर्ग करेंगे तो 1:4 आएगा, लेकिन प्रवाह की दर इसका उल्टा हो जाएगी, प्रतिलोमता परिवर्तित मतलब उल्टा, इनवर्सली चेंज हो रही है, समझ में आई आती है, त्रिज्या का वर्ग जिसमें कम होगा प्रवाह की दर उसमें ज्यादा होगी, इस बात को यहां कहना चाहता है। कितने लोगों को यह बात समझ में नहीं आया, हाथ उठाइए, कितने लोग ये बात नहीं समझ पाए, हाथ उठाइए।
समझे? नहीं समझे? आर टू का स्क्वायर इज टू आर वन का स्क्वायर, यानी कि टू का स्क्वायर इज टू वन का स्क्वायर, यानी कि फोर इज टू वन। क्या है? कंफ्यूज है? क्लियर है ना? ये आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 116, दो नल किसी टैंक को क्रमशः 12 और 15 मिनट में भर सकते हैं। दोनों नल को एक साथ खोला गया है तथा कुछ समय के लिए नल में खराबी आने के कारण पहले वाले नल से केवल 1/5 पानी बहता है और दूसरे वाले से 1/2 पानी आता है। 1/5 पानी बहता है और 1/2 पानी आता है। बहता और आता, समझिएगा, बहता मतलब वो बाहर बर्बाद हो जा रहा है, आता मतलब वो टंकी के अंदर आ रहा है। तो पहले वाले पाइप से 1/5 पानी बहता है, समझिए, इसका मतलब आता कितना है? आता कितना है? 4/5 पानी आता है और दूसरे वाले से कितना आता है? 1/2 पानी आता है। मतलब 1/2 बहता है, 1/2 आता है। भाषा पर ध्यान देना है। पहले वाले पाइप से नल में खराबी आई है ना, नल में खराबी आ गई, कहीं टूट फूट हो गया, कहीं क्या हो गया, टूट गया नल, तो क्या हो गया? उससे केवल 1/5 पानी बहता है। 1/5 पानी बहता है मतलब ये टंकी के अंदर नहीं आता, ये पानी कहीं बह के बर्बाद हो जाता है। तो आता कितना है? 4/5। इस भाषा पर आपको ध्यान देना है, एग्जाम की भाषा ही है, एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है। बहता है और आता है, तो एक कॉमन सेंस लगाएंगे तो आने का मतलब वो टंकी में आएगा, बहने का मतलब वो टंकी से बाहर जाएगा, बाहर चला जाएगा। तो देखिए सारा काम वही है, बोला गया है अब खराबी को ठीक कर दिया गया और ठीक करने के बाद टैंक 3 मिनट में भर जाता है। ठीक किया खराबी, उसके 3 मिनट बाद टैंक भर गया। ज्ञात कीजिए कितनी देर बाद खराबी को ठीक किया गया, कितनी देर बाद खराबी को ठीक किया गया, ये आपसे पूछा गया है। तो लास्ट के 3 मिनट में दोनों पाइप पूरी क्षमता से काम करेंगी, पूरी क्षमता से, और जो शुरुआत में हुआ होगा वो कम क्षमता से काम हुआ होगा खराबी के कारण। तो आइए पहले हम यहां पर पूरा काम निकाल लें और इनके एक एक मिनट का काम निकाल लें। देखिएगा 116 पहला है 12 मिनट में भरता है, दूसरा 15 मिनट में भरता है, पूरा काम 60 हो गया, 1 मिनट का काम 5, 1 मिनट का काम 4। आ रहा है बच्चों समझ में? क्लियर है? अब देखिए लास्ट के 3 मिनट में क्या हुआ है। आखिरी के 3 मिनट में दोनों ने काम किया है और अपनी पूरी क्षमता से काम किया होगा, तो कितना भर देंगे? 27 यूनिट। तो शुरुआत में पहले और दूसरे को कितना भरना रहा होगा? 33 यूनिट ये भरे होंगे। तो 33 यूनिट भरे होंगे तो पूरी क्षमता से नहीं भरे होंगे खराबी के कारण। एक मिनट का दोनों के 1 मिनट का काम क्या हो जाएगा? 5 का कितना आएगा पानी? 1/5 बह जाएगा, यानी कि बर्बाद हो जाएगा। तो टंकी में आएगा कितना? 4/5 आएगा। और 4 का कितना पानी आएगा टंकी में? 1/2 आएगा। कितना हो गया बताइए? 5 से 5 कट गया, 6 यूनिट टंकी में पानी आएगा। तो इस 33 यूनिट को भरने में कितना समय लगाए होंगे? 33/6 यानी कि 5 सही 1/2 मिनट का समय लगाए होंगे। शुरुआत में इतनी देर दोनों टंकी काम करेंगे, सॉरी दोनों पाइप काम करेंगे, इसी के बाद उनको क्या किया जाएगा? बंद किया जाएगा। यही आपका आंसर है बच्चों, यही आंसर है, ध्यान दीजिएगा। हर एक बच्चा देखे, समझ में आ रहा है? क्या है? इंग्लिश अभी पढ़ लूंगा मैं, क्या लिखा हुआ देख लूंगा। समझ में आया आप लोगों को? नहीं समझे होंगे। ये बहता और आता, इसी में तो पहले मेन काम करना है।
होता है ना बच्चों, कभी कभी पाइप फट गया, खराब हो गया, तो उसे पानी पूरा नहीं आएगा, पूरा ना आने के कारण टंकी लेट में भरती है। ऐसा यहां भी हो रहा है, पानी पूरा शुरुआत में नहीं आ रहा है, बाद में खराबी को दूर किया गया तो फिर पानी आने लगा तेजी से और टंकी भर गई तब 3 मिनट में। यानी कि पाइप को जब ठीक कर देंगे तो पूरी क्षमता से काम ये करने लगेंगे। तो 3 मिनट में, आखिरी के 3 मिनट में ये कितना काम किए होंगे बताइए। 5, 4, 9, 1 मिनट में करते हैं पूरी क्षमता से, तो 3 मिनट में कितना किए होंगे, 27 यूनिट। तो शुरुआत में उनके पास कितना काम रहा होगा, 33 यूनिट। इतना ही काम खराबी के साथ किए होंगे, 33 यूनिट। तो आप पता कर लीजिए ये 33 यूनिट कंप्लीट करने में उन्हें टाइम कितना लगेगा। तो 33 यूनिट खराबी के साथ भरा जाएगा। ध्यान से देखिए, पहला वाला अपनी पूरी क्षमता से भरेगा तो 5 यूनिट भरेगा 1 मिनट में, लेकिन वो 5 यूनिट भर नहीं रहा खराबी के कारण। 5 यूनिट के बदले केवल 4/5, यानी कि 4 यूनिट ही पानी आएगा इस पाइप से। 1/5 भाग क्या हो जाएगा, बह जाएगा। तो आएगा कितना, टंकी में आएगा 4/5 भाग। तो 5 का 4/5 निकाल लिया, 4 यूनिट इसमें से आ रहा है पहले पाइप से, और दूसरे वाले से तो लिखा ही हुआ है कि 1/2 भाग पानी आता है, यानी कि 4 का 1/2 यानी कि 2 यूनिट पानी आएगा। तो दोनों मिलकर 1 मिनट में कितना काम करेंगे, 6 यूनिट। करना क्या है, शुरुआत में 33 यूनिट भरने का काम करना है। तो 33/6 यानी कि दोनों खराबी के साथ 5.5 मिनट तक चले हैं, यानी कि 5.5 मिनट बाद खराबी को क्या किया गया है, ठीक किया गया है, और इसके 3 मिनट बाद टंकी आपकी भर गई है। तो आंसर लिखिएगा, 5.5 मिनट बाद खराबी को दूर किया गया है, 5.5 मिनट बाद खराबी को दूर किया गया है। सही है। आ रहा है सबको समझ में, कोई डाउट तो नहीं? इंग्लिश में बच्चा बता रहा है, गलत कहीं लिखा हुआ, 2 पाइप कैन फिल अ टैंक इन 12 मिनट एंड 15 मिनट रिस्पेक्टिवली, बोथ पाइप ओपन एट सेम टाइम ड्यू टू सम प्रॉब्लम ऑकर्स इन पाइप दैट पाइप कैन ओनली फ्लो दैट पाइप फर्स्ट पाइप फर्स्ट कर लीजिए फर्स्ट पाइप कैन ओनली फ्लो 1/2 ऑफ वाटर। अच्छा, ये तो खा गया पूरा, तो सब खा गया, लाइन ही खा गया ये पूरा पूरा। तो अब हिंदी के हिसाब से आप इंग्लिश का करेक्शन खुद से कर लीजिएगा, ठीक है? सही है, खा ही गया, टाइपिंग एरर हो गया बड़ा सा, ठीक, इंग्लिश में सही नहीं है, पूरा स्टेटमेंट दिया ही नहीं है तो क्वेश्चन लगेगा ही नहीं। हो गया बच्चों, ये सवाल समझ में आया कि एक बार और? क्यों दीपक, अब बता दूं, आप बताइए, ये चीजें अब पकड़ में आ रही हैं, समझ में आ रहा है? चलिए आइए देखिए, अब इसके बाद है आपका 117 नंबर का सवाल है, 117, हर एक बच्चा देखेगा 117, जल्दी, इसमें आपको नया बैच मिलने वाला है स्पीड टाइम डिस्टेंस से, जल्दी इसमें नया बैच मिलेगा स्पीड टाइम डिस्टेंस से। आइए देखिए 117, दो नल ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 20 और 30 मिनट में भर सकते हैं, दोनों नलों को एक साथ खोला और 1/3 भाग भर जाता है, तो टंकी की तली में हो गया है एक छेद जिसमें से दोनों नलों द्वारा भरे जाने वाले पानी का 1/3 भाग निकलता रहता है, ज्ञात करिए कि टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, सिंपल है, जितना भर गया है वो तो अब भरना है नहीं, ठीक है, अभी खाली जितना है उसी को भरना है, तो अब पूरी क्षमता से भर नहीं पाएगा ये, क्योंकि तो टंकी में क्या हो गया, छेद, समझ में आया? तो पानी एक तरफ से निकलता भी रहेगा। तो आइए चलिए देखिए, ए अकेले 20 मिनट में भर सकता है, बी अकेले 30 मिनट में भर सकता है, पूरा काम 60 है, 1 मिनट का काम 3, 1 मिनट का काम क्या है, तो अब देखिए दोनों नलों को एक साथ खोला गया है और 1/3 भाग पानी भर गया है, तो दोनों नलों को एक साथ खोले हैं, 1/3 भाग पानी भर गया है, तो 60 का 1/3 भरा है, तो कितना समय लगेगा, 5 से भाग करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, 4 मिनट का समय लगेगा। शुरुआत में ये 4 मिनट तक चलेंगे, शुरुआत में कितना चलेंगे, 4 मिनट तक चलेंगे। क्लियर है, आ रही बात समझ में? भर कितना गया, 20 यूनिट भर गया, शेष कितना बचा है,
40 यूनिट भरा है तो 40 यूनिट को भरने में कितना समय लगेगा, 40 बटा, इनकी क्षमता है 5, 5 क्षमता है लेकिन छेद होने के कारण 5 की क्षमता से काम नहीं होगा, इसका 1/3 भाग पानी निकलता रह रहा है, 1/3 भाग पानी निकल रहा है तो कितना जाएगा, 2/3 भाग पानी जाएगा। आया समझ में, पूरा 5 पानी नहीं जाएगा एक मिनट में, 1/3 भाग पानी इसका बर्बाद हो जाएगा छेद के कारण, तो कितना पानी जाएगा, 2/3 ही पानी जाएगा, तो कितना समय लगेगा बताइए, 12 मिनट। तो टंकी भरने में लगा कुल समय में लगा कुल समय 12/4, सही है बच्चों, हो गया कि एक बार फिर से बता दूं, एक बार फिर से देखिए, शुरुआत में केवल 1/3 यानी कि 20 ही यूनिट भर पाया है, कितना समय लगा होगा भाई, एक मिनट में ये 5 यूनिट भरते हैं दोनों, तो यहां 4 मिनट लगा होगा 20 यूनिट भरने में, अभी भरना कितना है 40 यूनिट, लेकिन ये अपनी पूरी क्षमता 5 यूनिट के हिसाब से काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें टंकी में है एक छेद जो पानी 1/3 भाग जो भरा जा रहा है उसको बाहर निकाल दे रहा है, तो कितना पानी आएगा एक मिनट में टंकी के अंदर, 5/2 पानी आएगा टंकी के अंदर, तो क्या होगा 40/5 × 2/3 कितना है 12 मिनट, तो 12 मिनट इधर लास्ट में रिमेनिंग पार्ट को फिल करने में टाइम लगेगा 12 मिनट का, और स्टार्टिंग में इनिशियली जो टाइम लगा है वो लगा है आपका 4 मिनट का, तो टोटल कितना हो जाएगा 16 मिनट का टाइम लगेगा। क्लियर हो गया सभी बच्चों को, क्लियर है, आ रहा है समझ में, चलिए आइए देखिए। अब 118 नंबर का क्वेश्चन है आपका, 118, हर एक बच्चा देखे जिम्मेदारी से, 118 नया बैच जल्दी ही आपका स्टार्ट होने वाला है स्पीड टाइम डिस्टेंस से, ट्रिग्नोमेट्री भी समाप्त हो ही जाएगी 15-20 दिन में, उसके बाद आपका एडवांस में भी नया टॉपिक मिल जाएगा। चलिए देखिए, नए टॉपिक से ही आपका नया बैच होता है और हर एक चीज समझ में आती है, कुछ बच्चों ने इस वर्क एंड टाइम से पढ़ना शुरू किया होगा, वो कौन कौन से बच्चे हैं जो नया बैच वर्क एंड टाइम से शुरू किए थे, आप हैं, आप लोग भी हैं, चलिए काफी सारे बच्चे हैं वर्क एंड टाइम से, आप भी हैं, शुरुआत से नहीं है ना, आप 20 से हैं, आप लोग बीच से हैं ना वर्क एंड टाइम के, 20 से हैं, चलिए आप शुरुआत से हैं, मिक्स प्रपोर्शन छूटा है, मिक्स प्रपोर्शन से कौन लोग हैं, आप हैं, कितना परसेंट समझ में आता है जो मैं पढ़ाता हूं, खड़े होइए, पूरा आता है, चलिए इसी बात पे एक क्वेश्चन बता दीजिए, नहीं टेस्ट करना जरूरी है ना बच्चों, चलिए आप बताइए, टाइप 10 का 109 नंबर का ओरल आंसर दीजिए, टाइप 10 का 109 नंबर ओरली बताइए, थोड़ा बहुत पेन उठा सकते हैं क्योंकि तीन तीन चीजें रहती हैं तो फिगर एक घंटे का काम में कंफ्यूजन होने लगता है ना कभी कभी, तो थोड़ा पेन यूज कर सकते हैं आप, ऐसा नहीं है, ठीक है, चलिए 60 उधर, 5 इधर, 4 इधर, 3, हाँ हाँ ए प्लस बी, वेरी गुड, बच्चा बता देगा, एकदम सही बता रहे हैं, सही ट्रैक पर हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, क्या नाम है आपका, गोविंद पौर्या, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड,
मतलब समझ में आ रहा है इनको। आइए भाई देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। गोविंद जी ने तो बता ही दिया, मतलब समझ में आ गया कि नहीं, इनको आता है समझ में, ये झूठ नहीं बोल रहे, वेरी गुड। चलिए तो हम देखिए, ये उदाहरण के तौर पे बच्चों से पूछा जा रहा था कि आपको कितने परसेंट आ रहा है। मैं नए बच्चों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आप स्पीड टाइम डिस्टेंस में भी बैठेंगे तो वहां भी एक एक चीज आपको समझ में आएगी, कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, हर एक चीज समझ में आएगा। चलिए देखिए 118 नंबर का क्वेश्चन है। किसी टंकी में समान क्षमता के 4 नल एक समान ऊंचाई पर लगाए गए हैं। पहला नल टंकी के 3/4 ऊंचाई पर लगा हुआ है। ज्ञात कीजिए कि टंकी कितनी देर में खाली होगी। अगर पहला नल टंकी को 12 घंटे में खाली कर सकता है तो सभी तो 12 घंटे में खाली करेंगे अकेले। सबकी क्षमता क्या है? समान है। सबकी क्षमता बोला है समान है, तो देखिए सब प्रत्येक जो है 12 घंटे में अगर लग जाए एकदम नीचे पेंदी पे तो 12 घंटे में टंकी को क्या कर देंगे? खाली कर देंगे। लेकिन जो नल लगाने का तरीका है वो कैसे लगा हुआ है वो देखिएगा। सबसे पहले देखिए ये टंकी हो गई आपकी, जो पहला नल लगा हुआ है वो 3/4 ऊंचाई पर लगा हुआ है। तो देखिए ये है, ये पार्ट पेंदी तक से यहां से ऊंचाई काउंट होगी। तो ये पहला नल है, ये 3/4 ऊंचाई पर लगा हुआ है, ध्यान से देखिएगा 3/4 ऊंचाई पर यहां लगा हुआ है, फिर ये लगा है, फिर ये लगा है, और ये आपका सबसे लास्ट में पेंदी पर है। आया समझ में? 3/4 ऊंचाई पर, ये 1/2 ऊंचाई पर, 1/4 ऊंचाई पर, और ये कहां है? पेंदी पर है। एक पर नहीं, एक पर होने का मतलब बाबू यहां। आया समझ में? एक पर होने का मतलब एकदम ऊपर, सही है। तो ऊपर लगा के क्या होगा? क्या उस पाइप से पानी निकलेगा? पानी का लेवल से ऊपर आपने पाइप लगा दिया तो क्या वो पाइप से पानी फ्लो होगा? कभी नहीं होगा। नीचे लगाएंगे तभी तो पानी उससे निकलेगा। तो पहला पाइप यहां लगाया है 3/4 ऊंचाई पर, चार पार्ट में बांट लीजिए 1, 2, 3 और 4। पहला नल 3/4 ऊंचाई पर लगा है, यानी कि वो कहां लगेगा? यहां लगेगा ना 3/4 ऊंचाई पर, ये पार्ट होगा 3/4। ये तो एकदम टॉप है, टॉप पे पाइप लगा के क्या करेंगे? कुछ नहीं हो सकता। ये 3/4 ऊंचाई पर, ये आधी ऊंचाई पर, ये 1/4 ऊंचाई पर, और ये एकदम पेंदी पर लगा है बिना किसी हाइट के, बिना किसी हाइट के। ये एकदम किस पे लगा है? पेंदी पर लगा है, तभी पानी निकलेगा। बच्चों समझ में आया? और ये जो पाइप लगे हैं, चार पाइप देख लीजिए, पहला पाइप, दूसरा पाइप, तीसरा पाइप और ये चौथा पाइप, ये जो चार पाइप लगे हैं इनकी क्षमता बराबर है। तो अगर एक पाइप 12 घंटे में टंकी को खाली कर देता है तो दूसरा, तीसरा, चौथा भी 12 घंटे में खाली करेगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा, अगर सब नीचे लग जाए पेंदी पे तो जो भी पेंदी पे काम करने के लिए आएगा वो 12 घंटे में पूरी टंकी को क्या करेगा? खाली कर देगा। पाइप की क्षमताएं क्या है? समान है, ये बोल रखा है। तो सबका इनलेट ही, सॉरी ये आउटलेट है ना, तो 12 घंटे में ये भरते हैं, सॉरी भरते कहां है, खाली करते हैं, तो पूरा काम क्या हो जाएगा? 12 यूनिट हो जाएगा पूरा काम। तो इनका 1 घंटे का काम क्या होगा? 1 यूनिट होगा। तो पूरी टंकी हमारी कितने की हो गई? 12 यूनिट की हो गई। तो इसको चार पार्ट में बांट लीजिए 12 को, 1, 2, 3 और ये 4। तो 4 यूनिट यहां, 4 यूनिट यहां, 4 यूनिट यहां, 4 यूनिट यहां, ये चार पार्ट में बांट लिया, सॉरी गलत हो गया, 3 यूनिट यहां, 3 यूनिट यहां, 3 यूनिट यहां और 3 यूनिट यहां, ये आपका चार पार्ट में बट गया। क्लियर है? मतलब 3 यूनिट पर एक यहां नल दिया गया, फिर 3 यूनिट पर एक नल यहां दिया गया, फिर 3 यूनिट पर एक नल यहां दिया गया है, फिर 3 यूनिट पर एक नल यहां दिया गया है। ऐसा क्यों बच्चों हो रहा है? क्योंकि बोला गया समान ऊंचाई पर ये लगे हैं ना पाइप, तो वॉल्यूम भी इनके लिए क्या होगा? बराबर बराबर बटेगा। मात्रा भी जो इनको दी जाएगी वो इक्वल इक्वल ही दी जाएगी, समान ऊंचाई पर लगे हैं। तो पूरा आपका जो टैंक है वो 12 यूनिट का है, तो ये 3 यूनिट, ये 3 यूनिट, ये 3 यूनिट और ये 3 यूनिट होगा। क्लियर है? तो पूछा गया बताइए टैंक खाली होने में कितना समय लगेगा? सभी पाइप का 1 मिनट का काम कितना होगा? 1 ही यूनिट होगा ना, सभी पाइप का 1 मिनट का काम क्या होगा? 1 ही यूनिट होगा। 1 यूनिट मतलब 1 मिनट का नहीं, 1 घंटे का। 1 घंटे का काम क्या होगा? 1 यूनिट होगा। आइए अब हम खाली कराने का समय निकालते हैं। समय देखिए कैसे निकलेगा। अगर बेटा इस 3 यूनिट को खाली कराएंगे तो इस 3 यूनिट को खाली करने के लिए कौन कौन से पाइप काम करेंगे? चारों काम करेंगे, चारों काम करेंगे। इस 3 यूनिट को खाली करने के लिए
पहला नल, दूसरा नल, तीसरा नल, चौथा नल, चारों नल काम करेंगे। तो जैसे ही ये तीन यूनिट खाली हो जाएगा, पहले नल का काम खत्म, पानी का लेवल यहां आ गया, अब पानी निकलेगा ही नहीं। अब इस तीन यूनिट को खाली कराने के लिए कितने नल काम करेंगे? तीन नल काम करेंगे। कौन सा? दूसरा, तीसरा और चौथा। जैसे ही ये तीन यूनिट खाली होगा, पानी का लेवल, पानी का स्तर यहां आ जाएगा, तो तीसरे नल का भी काम खत्म, सॉरी तीसरा नहीं, दूसरे नल का भी काम खत्म। आया समझ में? ये भी आपका काम करना बंद कर देगा, क्योंकि पानी अब पाएगा ही नहीं, तो निकालेगा कहां से? बताइए अब क्या होगा? इस तीन यूनिट को खाली कराना है, तो इसको खाली करने के लिए कितने नल काम करेंगे? दो नल, तीसरा और पहला। हाँ, तीसरा और चौथा। क्लियर? ये उल्टा क्रम चल रहा है ना, इसलिए तीसरा और चौथा, ये दोनों नल काम करेंगे। जब ये तीन यूनिट खाली हो जाएगा, पानी का स्तर फिर से यहां आ गया, अब ये आपका तीसरा नल भी काम करना बंद कर देगा। अब बचा कौन? केवल चौथा नल बचा है, और चौथा नल केवल कितना खाली करेगा? अकेले तीन यूनिट खाली करेगा। इस तरीके से आपकी टंकी पूरी क्या हो जाएगी? खाली हो जाएगी। तो लिखते हैं, टंकी खाली होने में लगा कुल समय, होने में लगा कुल समय, बोलिएगा, टंकी खाली होने में लगा कुल समय बच्चों क्या हो जाएगा? देखिएगा, पहले किसको खाली कराएंगे? इस तीन यूनिट को खाली कराएंगे। तीन यूनिट को खाली कराने के लिए कितने पाइप काम करेंगे? चार पाइप काम करेंगे। तो एक घंटे का चारों पाइप का काम क्या है? चार यूनिट है कि नहीं भाई? एक पाइप का एक घंटे का काम एक यूनिट है, तो चार पाइप का एक घंटे का काम क्या होगा? चार यूनिट। तो बताइएगा, तीन यूनिट खाली करने में कितना समय लगेगा? तीन बटा चार घंटे का समय लगेगा। तीन ही यूनिट खाली कराना है, इस तीन यूनिट को खाली कराने के लिए चारों नल काम पे लगेंगे, तो समय कितना लग जाएगा? तीन बटा चार घंटे का समय लग जाएगा। अब जैसे ही पानी यहां आया, पहले नल का काम खत्म, अब केवल ये तीन नल चलेंगे और इस तीन यूनिट को खाली कराने के लिए काम करेंगे। सही है ना बच्चों? तीन यूनिट जैसे ही खाली होगा, उसका समय निकाल लेते हैं, कितना समय लगेगा तीन यूनिट को खाली करने में? तो तीन बटा क्या? तीन ही होगा, तीन ही नल काम कर रहा है ना, तो तीन बटा तीन। तो पानी का लेवल यहां आ गया, तो दूसरे नल का भी काम क्या हो गया? खत्म हो गया। अब इस तीन यूनिट को खाली कराने के लिए केवल कितने नल काम करेंगे? दो नल, क्योंकि पानी का लेवल यहां आ चुका है, अब यह नल काम करना बंद कर देगा। केवल इस तीन यूनिट को खाली कराने के लिए दो ही नल काम करेंगे, कितना समय लगेगा? तीन बटा दो। लास्ट में है आपका तीन यूनिट, इसको खाली कराने के लिए कितना समय लगेगा? तीन बटा एक। टोटल टाइम बता दीजिए, छह सही, एक बटा चार घंटे का समय लगेगा पूरी टंकी को खाली कराने में। बच्चे देख लीजिए आप लोग, आ गया कि नहीं समझ में बताइए, क्लियर हुआ? क्लियर हो गया? बताइए, है कोई परेशानी तो बताइए आप लोग। फिर से बता दूं क्वेश्चन, आप खुद देखिए, पूरा काम 12 यूनिट का हो जाएगा। पाइप कैसे लगे हैं? पहला नल 3 बटा 4 ऊंचाई पर लगा है, तो चार पार्ट में बांटेंगे तो एकदम टॉप पे तो ला के रख नहीं देंगे। टॉप पे अगर नल लगा दिया तो उसका क्या फायदा? पानी निकलेगा क्या? इसलिए 3 बटा 4 ऊंचाई बोला है, तो ऊपर से नीचे लगेगा, जस्ट ऊपर से जस्ट एक नीचे आ जाइए, एक खाना नीचे आ जाइए। फिर बराबर ऊंचाई पर पाइप लगा दीजिए आप, तो जो आपका वॉल्यूम होगा 12 यूनिट, चार पार्ट में बटेगा, 3, 3, 3 एंड 3 के पार्ट में बटेगा। समझ में आ रहा है? शुरुआत यानी कि टॉप का 3 यूनिट खाली कराने के लिए कितने पाइप काम करेंगे? चारों पाइप काम करेंगे। फिर आपका उसके नीचे का 3 यूनिट खाली कराने के लिए 3 पाइप काम करेंगे, उसके नीचे का 3 यूनिट खाली कराने के लिए 2 ही पाइप काम करेंगे, लास्ट का 3 यूनिट खाली कराने के लिए केवल एक ही पाइप काम करेगा। कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया क्वेश्चन का, कह क्या रहा है?
लगा पाएंगे क्वेश्चन, अब हमेशा हो जाएगा। यूपीएसआई वाले आप लोग ध्यान दीजिए, लीवो लन के कमेंट देखिए जरा बच्चों के, यूपीएसआई वाले थोड़ा सुस्त हो गए हैं इस समय, क्लास करने नहीं आते हैं। हो गया, चलिए आइए अब अगला क्वेश्चन है आपका, 119 नंबर का क्वेश्चन है, तीन नल ए बी क्वेश्चन है, हर एक बच्चा देखेगा, तीन नल ए बी सी किसी टंकी से जोड़े गए हैं, ए और बी क्रमशः 30 और 20 घंटे में टंकी को भर सकता है, भर सकते हैं, और तीसरा पाइप सी से 45 लीटर पानी प्रति मिनट निकलता है, अगर तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 15 घंटे में भर जाती है, टंकी की क्षमता ज्ञात करें, करेक्शन कर लीजिए क्वेश्चन में, टंकी की क्षमता ज्ञात करें, लाइए विनीत मिश्रा पूछे आप लोग, आप विशेष ध्यान दीजिए, यूपीएसआई वाला कमेंट हमेशा देखते रहिए, क्या नाम है आपका अनिकेत, लगातार देखते रहिए, 75 नंबर का क्वेश्चन बता दूंगा मैं, परेशान ना हो। सिद्धार्थ मौर्य क्या कह रहे हैं, लेट क्लास स्टार्ट की गई है हम लोगों की, अच्छा इन बच्चों की लेट क्लास स्टार्ट हुई है क्या, दीप्ति कह रही है फाउंडेशन वाले वीडियो लाइव नहीं रहते क्या, अभी हम सारी चीजें समझ लेते हैं दीप्ति आज, फिर बताते हैं आप लोगों को। सिद्धार्थ मौर्य इनकी क्लास कितने बजे स्टार्ट हुई है, अरे ये तो बहुत बड़ी मिस्टेक है फिर, शेड्यूल ये तो गलत हुआ है बच्चों के साथ, इनको वीडियो प्रोवाइड कराई, यूट्यूब पे लाइव है ना, तो वीडियो ये वाला अपलोड मत करवाइएगा, लीवो लर्न पे बात कर लीजिएगा, कहिएगा यूट्यूब वाला लिंक उस पे डालें, ठीक है उस शुरुआत से, कोई बात नहीं सिद्धार्थ, हर गलती का कोई ना कोई सुधार होता है, किया जाएगा। सर इस टाइम पे मेरा ऑफलाइन रहता है क्लास, इसलिए मैं क्लास अटेंड नहीं कर पाती हूँ ऑनलाइन क्लास, कोई बात नहीं बाद में पढ़ लिया करिए, लेट स्टार्ट हुई सही, उसको हम वीडियो दूसरा डलवाएंगे उसमें, चलिए विनीत मिश्रा परेशान कोई नहीं होगा, चलिए तो बच्चों ये हो जाएगा 119, डू योर सेल्फ पे डाल दूं, हो गया। 75 नंबर का क्वेश्चन बताना पड़ेगा मुझे, 120 में थोड़ा कुछ करेक्शन है, नहीं लगा ना करेक्शन, अब करेक्शन एक बार चेक कर लूंगा फिर कराऊंगा बच्चों, पिछले किसी बैच में करेक्शन कराया था याद नहीं आ रहा क्या कराया था, खाली की जगह भरना कर दें, घंटे में खाली हो जाती है तो भरने वाले नलों की संख्या कि खाली करने वाले नलों की संख्या, 8 घंटे में खाली हो जाती है को 8 घंटे में भर जाती है, कर लीजिए और उस पर करके देखिएगा आ रहा है कि नहीं आंसर, 8 घंटे में खाली हो जाती है लास्ट में लिखा है ना, तो आप लोग वहां कर लीजिए 8 घंटे में भर जाती है। चलिए 75 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, एक जलाशय में 75 पूछा गया, ध्यान से देखिएगा, लीवो लर्न से पूछा है, किस बच्चे ने, विनीत ने पूछा है, किसने पूछा है, यूपीएसआई का ये हमारा बैच है, लीवो लर्न पे चल रहा है, आप लोगों का बैच ही मैंने वहां पर लाइव कर रखा है, और चूंकि यूपीएसआई की जो अर्थमेटिक सेक्शन आता है वो बहुत मजबूत होता है, सीजीएल टीयर 2 लेवल का रहता है, तो बच्चे ये पढ़ लेंगे तो अच्छा ही रहेगा उनके लिए। चलिए देखिए हल्के हल्के में पढ़ के जाएंगे, यूपीएसआई तो हो सकता है रह जाएं। एक जलाशय में 2 प्रवेश पाइप और 1 निकास पाइप है, प्रवेश पाइप से इसे क्रमशः 3 घंटे और 3 घंटे 45 मिनट में भरा जा सकता है, निकास पाइप द्वारा इसे 1 घंटे में पूरा खाली किया जा सकता है, यदि दोनों प्रवेश पाइप क्रमशः 2:01 बजे 2 बजे खोल दिए जाएं तथा निकास पाइप को 2:03 बजे खोला जाए तो यह कितने बजे खाली हो जाएगा, यह क्वेश्चन है आपका। आइए देखिए, भरने वाला एक 3 घंटे में भरता है, दूसरा भरने वाला 3 घंटा 45 मिनट, यानी कि 3 सही, क्या गिर गया भाई, क्या गिरा, कैसे पैर वैर रखे थे क्या, उसे क्या गिरा है, सीट गिर गया, मतलब कोई चोट तो नहीं लगी किसी को, चलिए कोई बात नहीं। आगे देखिए, लोहे का है ना, किसी के पैर वैर पे गिरता गिरेगा तो बहुत ज्यादा चोट लगेगी, वो तो अब शुक्र मनाइए ठंड का मौसम चला गया, गर्मी का मौसम आ गया, ठंड के मौसम में गिरता तो और समस्या होती।
चलिए, चोट नहीं लगी है ना किसी को? ठीक, आगे देखिए। तो बच्चों ये आपका क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है। तो 3 घंटा 45 मिनट का मतलब कितना हो गया? 15/4 घंटे। तो यहां ये 15/4 घंटे में भरेगा और खाली करने वाला 1 घंटे में खाली कर देता है पूरा काम। 15 यूनिट 1 घंटे का काम, भरने का 5 यूनिट, 1 घंटे का भरने का काम 4 यूनिट, और 1 घंटे का खाली करने का काम 15 यूनिट। ये खाली होगी टंकी मजबूती के साथ। आइए देखिए, एक खुल गया, एक बजे खुला है, तो 1 से 2 1 घंटे तक कौन चलेगा? पहला वाला। और 2 से 3 यानी कि 1 घंटे तक कौन चलेगा? पहला और दूसरा चलेंगे। और सुनिए, फिर उसके बाद अब पहला, दूसरा, तीसरा तीनों चलने लगेंगे। तीसरा यानी कि आउटलेट 3 बजे से और लगातार चलेंगे। तो 1 घंटे में ये कितना भर देगा? 5 यूनिट। 1 घंटे में ये दोनों कितना भर देंगे? 9 यूनिट। 9 5 14 यूनिट भर गया। अब इसी 14 यूनिट को क्या कराएंगे? खाली कराएंगे, क्योंकि आगे टंकी भरेगी नहीं। आगे टंकी लगातार क्या होगी? खाली होगी। क्यों? दिखाई दे रहा है 1 घंटे का काम 5 4 9 -15 यानी कि 6 यूनिट। 6 यूनिट क्या होगा? खाली होगा। 6 यूनिट खाली होगा। हर एक बच्चा देखे, तो खाली कराना है 14 यूनिट। जो भर गया है उसी को खाली कराएंगे। तो 14/2 में क्या? 6 कितना हो गया? हाँ, 2 घंटा 20 मिनट मतलब इसको लिख दें यूपीएसआई वालों के लिए कितना आ रहा है। 6 2 12 2 सही 2/6 घंटे। तो इसको 2 1 2 2 3 6 कह सकते हैं। 1/3 यानी कि 2 घंटा, और 1/3 घंटे का मतलब होता है 20 मिनट। ये आपका आंसर है। हो गया? मतलब टंकी 5 बजे खाली, 5:20 पर क्या? लीजिए, हो गया? क्लियर है बच्चों? अब आ जाइए PS2 में। PS2 कितने लोगों ने लगा लिया है? हाथ उठाए। क्या है? क्या है? CL का भी आएगा, उसका भी नंबर। PS2 लगाइए। अभी मिसलेनियस की बात कर रहा है ना? कराऊंगा, क्यों व्यर्थ की चिंता करते हैं, कराऊंगा ही मैं। PS2 कितने लोगों ने करा हुआ है? अभी आइए क्वेश्चन लगवाते हैं हम। PS2 कटा है ना? क्वेश्चन ले आइए PS2 वाले। देखिए, ए किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकता है। एक लड़के एवं एक लड़की की सहायता से वो कार्य को 5 दिन में समाप्त कर देता है। यदि लड़के की कार्य दक्षता लड़की की कार्य दक्षता से दोगुनी है तो ए की दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए यदि कुल मजदूरी की राशि 1600 रुपए हो। कोई प्रॉब्लम नहीं, सिंपल, ऐसा करा भी है क्वेश्चन आपने। क्यों बच्चों? ध्यान से देखिए, ए किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त करता है और एक लड़के एवं लड़की की सहायता से वो कार्य 5 दिन में ही समाप्त कर लेता है। लड़के की कार्य दक्षता लड़की से क्या है? दोगुनी है। तो पूछा गया ए की दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए यदि कुल मजदूरी की राशि 1600 हो। ए किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर ही सकता है। अगर बेचारा अकेले करे तो अकेले पाएगा पूरा 1600? बता दीजिए, ओरल सा क्वेश्चन है। ए अगर अकेले काम करे
तो पूरा वो 1600 पाएगा कि नहीं बताइए? अकेले काम करे तो पूरा 1600 पाएगा, तो एक दिन की मजदूरी उसकी कितनी हुई? 200 रुपए हुई भाई, एक दिन की मजदूरी 200, यही आपका आंसर है? यही क्या है आपका आंसर? अन्य आंकड़ों का इस प्रश्न से कोई लेना देना नहीं है, एक बार में उत्तर दे दिया। बताइए क्यों हम दिमाग ज्यादा लगाने जाएं, जब हम जान ही रहे हैं कि ए अकेले काम को 8 दिन में कंप्लीट कर सकता है, काम पूरा होने पर ही 1600 दिया जाता है, तो ए ही अगर अकेले काम कर दिया तो 1600 पाएगा और अपनी क्षमता अनुसार ही तो पैसे का उसका बंटवारा भी होगा। तो बताइए 8 दिन में पाएगा 1600 रुपए, तो एक दिन में कितना पाएगा? 200 रुपए, यही उसकी क्या हो गई? दैनिक मजदूरी हो गई। कई लोग और आंकड़ों का प्रयोग करके लगाए होंगे तो भी यही आंसर आ रहा होगा। क्यों बाबू विवेक, आपने अन्य आंकड़ों का भी प्रयोग किया था ना, क्या फायदा? कोई फायदा है क्या? कोई यूज नहीं, कोई फायदा नहीं, डायरेक्ट आपका क्या हो गया? 200 आ जाएगा आंसर। समझ पा रहे हैं कि नहीं? ऐसा क्वेश्चन कराया था मैंने पीछे भी, हाँ हाँ पीएफ में है। आइए देखिए, डू योर सेल्फ। अब आ जाइए दूसरे नंबर के क्वेश्चन पे। 1200 रुपए या तो ए की 30 दिन की मजदूरी है या तो या बी की 40 दिन की मजदूरी है, मतलब काम समाप्त होने पर ही 1200 दिया जाएगा। काम समाप्त होने पर ही 1200, मतलब ए काम को 30 दिन में समाप्त करेगा तो उसे 1200 मजदूरी मिलेगी, और बी 40 दिन में काम समाप्त कर रहा है तो उसे 1200 रुपए की मजदूरी मिलेगी। मतलब ए और बी जब काम समाप्त करेंगे या बराबर काम करेंगे तभी उनको क्या मिलेगा? 1200 रुपए की मजदूरी मिलेगी, सही है? तो पूछा गया है, ज्ञात कीजिए कि यह ए एवं बी की कितने दिन की मजदूरी होगी। तो बेटा जितने दिन में दोनों मिलकर काम को, सॉरी, जितने दिन में मिलकर दोनों काम को समाप्त कर लेंगे 1200 दोनों की उतने दिन की मजदूरी होगी। लिख लीजिए यहां पर, दोनों मिलकर काम को जितने दिन में समाप्त कर लेंगे 1200 उतने दिन की ही मजदूरी होगी। क्योंकि यह स्पष्ट है कि 1200 काम समाप्त करने पर ही दिया जाता है, यह स्पष्ट है कि 1200 काम समाप्त करने पर ही दिया जाता है, सही है? 1200 काम समाप्त करने पर ही दिया जाता है। क्लियर हो गया? बताइए बच्चों, आ रही बात समझ में? नहीं आई बात समझ में? आई कि नहीं आई? आप बताइए, मुझे 30 दिन में मिल जाता है 1200, आपको 40 दिन में मिलता है 1200, इसका मतलब 1200 जो दिया जा रहा है काम समाप्त होने पर ही दिया जा रहा है। मैं 30 दिन में काम समाप्त कर रहा हूं तो मुझे 1200 मिल रहा है, आप 40 दिन में काम समाप्त करें तो आपको 1200 मिल रहा है। तो यही अगर 1200 हम दोनों के लिए हो तो हम दोनों के लिए कितने दिन में यह प्राप्त हो जाएगा हम दोनों को 1200? एक साथ काम करें हम लोग तो जितने दिन में हम लोग काम कंप्लीट कर लेंगे उतने दिन में ही 1200 हमें मिल जाएगा, यही तो मैंने लिखाया भी है। तो हम दोनों का काम समाप्त करने का समय ही पता करना है, बस केवल इतना ही है। ए 30 दिन में काम करता है, बी 40 दिन में काम करता है, पूरा काम 120, एक दिन का काम 4, एक दिन का काम 3, तो 120 बटा क्या 7 कितना आएगा बोलिए? 17 सही, 1/7 ये आपका आंसर है, नोट कर लीजिएगा। 17 सही, 1/7 दिन में हम लोगों को 1200 रुपए की मजदूरी प्राप्त हो जाएगी। सही है? हर एक बच्चा देखे जिम्मेदारी के साथ। सभी बच्चे ध्यान दें, एक्स और वाई मिलकर किसी काम को समाप्त कर 770 रुपए मजदूरी पाते हैं। वाई उस काम को 20 दिन में समाप्त कर सकता है। एक्स तथा वाई ने मिलकर यदि उस कार्य को 8 दिन में पूरा किया हो तो एक्स का हिस्सा क्या होगा? ये क्वेश्चन है आपका। क्यों बच्चों? एक्स वाई मिलकर उस काम को 8 दिन में समाप्त करते हैं, वाई अकेले 20 दिन में समाप्त करता है, एक्स वाई मिलकर 8 दिन में समाप्त करते हैं पूरा काम 24 काउंटर है 24 40,
दो यूनिट और पांच यूनिट। तो बच्चों ये क्षमताओं का ही तो अनुपात यहां से पता चल जाएगा। तो x का एक दिन का काम क्या, 5-2 यानी कि 3। तो x और y की क्षमताओं का अनुपात क्या होगा, बोलिए, 3:2। बताइए, यही तो होगा, x और y की क्षमताओं का अनुपात क्या होगा, 3:2 होगा कि नहीं, ये बता दीजिए, होगा ये। क्लियर है बच्चों? तो देखिए, x का हिस्सा क्या होगा ये पूछा गया है, तो x का हिस्सा क्या होगा, हिस्सा चाहिए तो 3, 2, 5। बच्चे यही इफिशियंसी और यही वेजेस का भी रेशियो होगा, जो क्षमताओं का अनुपात होता है वही मजदूरियों का भी अनुपात होता है, मजदूरी क्षमताओं के अनुपात में ही बढ़ती है। तो मजदूरियों का अनुपात भी 3:2 हो गया, तो 5 मजदूरी हो गई टोटल मजदूरी, तो ये 5 किसके बराबर होगा, 770 रुपए के। तो एक किसके बराबर, 154 रुपए के, सही है। तो क्या पूछा गया, एक्स का हिस्सा, एक्स का हिस्सा 3, 3 किसके बराबर, 3 × 154 कितना आ रहा है, 400। ये है एक्स का हिस्सा, हर एक बच्चा ध्यान दे, ये एक्स का हिस्सा है, हर एक बच्चा देखे, सभी लोग ध्यान दीजिए जिम्मेदारी से। आ रहा है सबको समझ में? सभी बच्चे ध्यान देंगे, सही है बच्चों? चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। ए बी सी तथा डी एक कार्य समाप्त करते हैं और उन्हें क्रमशः 600, 800, 900 एवं 1200 रुपए मजदूरी प्राप्त होती है। यदि सी कार्य को अकेले 24 दिन में समाप्त कर देता हो तो ए उसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा, यही है। चलिए देखिए, जो मजदूरियों का अनुपात होता है वही क्षमताओं का भी अनुपात होता है। ये आपके वेजेस का रेशियो हो गया कितना है, 600, 800, 900, 1200, सब 00 से 00 कैंसिल। तो बेटा यही आपके इफिशियंसी का भी रेशियो होगा। तो बोला गया है कि सी काम को 24 दिन में अकेले कर देता है, तो सी की क्षमता क्या है, 9, 9 की क्षमता से काम 24 दिन में होता है, तो ए की क्षमता क्या है, 6, 6 की क्षमता से काम D2 दिन में होगा, तो D2 बराबर क्या, कितना, 36। अगर ये लाइन ना भी लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये तो मैंने आपकी जानकारी के लिए लिख दिया था, बाकी करना हमको केवल इतना ही था। यहां ले लिए होते 900 × 24 बराबर 600 × D2 तो भी हमारा हो जाता, ये तो हमने आपकी जानकारी के लिए लिख दिया है, बस हो गया। आ रहा है बच्चों समझ में सबको? अनिकेत थोड़ा सा और एक्सपर्ट होइए, चीजों को और तेजी से समझिए, समझ गए हैं सारी चीजें, उसके बाद यूट्यूब वाले काम आपको काम करना है, अभी ट्रेनिंग आपकी करवा दी जाएगी यूट्यूब के लिए, कैसे कैसे क्या क्या काम करना है, और बाकी आप खुद से भी सोचा करिए, समझा करिए, आप BCA किए हुए हैं तो कंप्यूटर फील्ड से हैं तो ज़्यादा सोचा करिए काम कैसे और टेक्निकल तरीके से किया जाए, कुछ नया हमेशा, क्योंकि टेक्निकल टीम हमारे पास भी यूट्यूब की कोई विशेष नहीं है कि जो यूट्यूब पे काम करते हैं, बहुत सारे काम होते हैं ना बच्चों, वीडियो का प्रमोशन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उस तरीके का कुछ करिए, ठीक है, कि एक वीडियो पे 1-2 लाख व्यू जाए, कुछ झोल झाल उसी में करिए, क्यों बच्चों, होता ही है यूट्यूब वगैरह ये सब चलता रहता है। चलिए आगे देखिए, 5वें नंबर का क्वेश्चन है, एक आदमी के 3 पुत्र हैं, तीनों पुत्र जिनका काम कर सकते हैं उसका 2 गुना काम वह आदमी स्वयं कर सकता है, पहला तथा दूसरा पुत्र एक काम को क्रमशः 24 दिन और 36 दिन में पृथक रूप से समाप्त कर सकता है,
यदि वह आदमी पूरा काम 3 सही 3/11 दिनों में समाप्त कर दे तो ज्ञात कीजिए तीसरा पुत्र अकेले वह काम कितने दिनों में समाप्त कर देगा। क्यों क्वेश्चन आप लगाएंगे, कितने लोग लगा सकते हैं एक बार में? गुड, वेरी गुड, बच्चियां भी आज हाथ उठा रही हैं, आप लोग भी हाथ उठा रहे हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हम चाहेंगे करिए अभी इस क्वेश्चन को। इंग्लिश छोड़िए बाबू, उसको हिंदी से ही मिलाइए। आप इंग्लिश मीडियम है क्या? हाँ, संख्या का कैसे? वो इंग्लिश वाला ही गलत होगा, ठीक है, उसको करेक्शन कर लीजिए। आ गया, देखिए कितने बच्चे कर पाते हैं। कितने लोगों ने कर लिया? वेरी गुड, हम कर देते हैं, कर दें। चलिए आइए देखिए, आपका दिया है कि तीनों पुत्र मिलकर जितना काम करते हैं अकेले वो आदमी उसका क्या कर लेता है, दुगना काम। तीनों मिलकर पुत्र जितना काम करते हैं उसका दुगना काम अकेले वो आदमी कर लेता है, इसका मतलब क्या क्या है इसका मतलब? पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों पुत्रों की क्षमताओं का जो योग होगा और ये आदमी। इनकी जो इफिशियंसी का रेशियो होगा 1:2 होगा। श्योर है, आ रहा है समझ में? तो दो की क्षमता से काम कितने दिन में हो रहा है? 36/11 दिन में हो रहा है। तो एक की क्षमता से काम कितने दिन में होगा? D2 दिन में होगा। तो D2 बराबर क्या बताइए, बोल नहीं रहे? D2 बराबर 72/ आ रहा समझ में? यानी कि तीनों पुत्र मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? 72/11 दिन में करेंगे। तीनों पुत्र उस काम को कितने दिन में करेंगे? 72/11 दिन में करेंगे। श्योर है? 72/11 दिन में करेंगे। डायरेक्ट बोल सकते हैं आप, या ऐसे भी हो सकता है, डायरेक्ट भी बोला जा सकता है, 36/11 दिन में अकेले करता है। आया समझ में? पूरा काम ये 36/11 दिन में अकेले कर रहा है। तो तीनों पुत्रों की क्षमता क्या है? पिता की आधी है ना, तो समय क्या लेंगे वो? दुगना तो लेंगे ही। डायरेक्ट बोल सकते थे कि समय क्या लेंगे वो? दुगना लेंगे। इतना सब लिखने की जरूरत भी नहीं थी। अब देखिए, पहला वाला पुत्र अकेले 24 दिन में, दूसरा वाला पुत्र अकेले 36 दिन में काम पृथक रूप से कर सकता है, और तीनों कितने दिन में करेंगे? तीनों कितने दिन में करेंगे? 72/11 दिन में करेंगे। पूरा काम 72, और ये हो गया आपका 3, ये 2 और ये 11। तो तीसरे वाले पुत्र का एक दिन का काम क्या होगा? 11 में से 5 घटा देंगे, कितना कितना 6। तो पूरा काम समाप्त करने में लगा समय, तो कितना है? 72/6 यानी कि 12 दिन। ऐसे कर लिया आपने, आ गया समझ में? इस तरीके से हो गया आपका, आराम से हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ये चीज हम नहीं भी बोलते ना, तो ये डायरेक्ट हम बोल सकते हैं प्रश्न पढ़ के। इतना ये तो मैंने आपकी जानकारी के लिए लिख दिया कि देखिए ऐसे
इनकी क्षमताओं में ये रेशियो है एक दो का, तो दो की क्षमता से 36/11 दिन में काम हो रहा है, तो एक की क्षमता से काम 72/11 दिन में होगा। ये लिखने का जरूरत एग्जाम में होता नहीं है, ये डायरेक्ट आप दुगना समय ले सकते हैं। भाई पिता जब कर रहा है 36/11 दिन में, तो पुत्र तीनों मिलकर करेंगे 72/11 दिन में, दुगना समय लेंगे, तो आप डायरेक्ट केवल इतना ही काम कर सकते हैं एग्जाम में, इसकी कोई आवश्यकता है नहीं। इसको तो ओरल निकाल सकते हैं आप। समझ पा रहे हैं आप बात को? नहीं समझे? समझ गए? तो इसी तरीके से सबने किया होगा, आप लोगों ने भी यही किया होगा, ऐसे किए थे ना? हाँ सेम यही किया होगा आप लोगों ने भी। आप लोगों ने बच्चों ने कैसे किया था? ऐसे किया था ना आप लोगों ने? आप लोगों ने भी ऐसे ही किया था, ठीक है। क्यों बच्चे पीछे वाले हो गया? जरा यूपीएसआई वालों की कमेंट हमें दिखाइए, कैसी तैयारी चल रही मेरे भविष्य के डबल स्टार? आप लोग तो ट्रिपल स्टार हैं, क्यों? इंस्पेक्टर बनेंगे ना आप लोग सीधे? सर फाउंडेशन ब्लैच का वीडियो दीप्ति है ये, अब तो कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। क्यों ग्रुप डी में जाने का विचार है क्या कि अंदर अंदर हंस रहे हैं आप लोग? चलिए हो गया, अगला सवाल आप लोग लगाइए, छठे नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। छठे नंबर का क्वेश्चन आप लोग लगाइए तेजी से, देखे कौन कर पाता है। अभी करिए, अभी तो दिया है हमने लगाने के लिए आपको क्वेश्चन, करिए करिए फटाफट आप लोग। हो गया, करिए तेजी से बच्चों। किसका शीट है ये? अनिकेत आपका है, लीजिए शीट बीट भी संभाल के रखा करिए, ठीक है। और बैच में जैसे क्या होना है, जैसे टेस्ट वगैरह होना है, उसकी भी जिम्मेदारी आपकी, ठीक है। शीट बटी कि नहीं बटी, इसकी भी जिम्मेदारी आपकी, कैसे कैसे क्या है आज मैं शाम में 7:30 बजे आपको सब बता दूंगा क्या क्या करना है, ठीक है। और YouTube वाली ट्रेनिंग भी आपकी करवा देता हूँ कि प्रॉपर YouTube वाली भी हर चीज़ आने लगे आपको, और खुद अपने अभी सीनियर वीनियर होंगे आपके टीचर वगैरह जो पढ़ाए होंगे आपको कंप्यूटर वगैरह, तो उनसे पूछिए समझिए। हम तो आपको मैथ पढ़ा सकते हैं, बाकी कंप्यूटर वगैरह तो आपके टीचर पढ़ाएंगे आपको। चलिए बच्चों कैसा लगा, सब समझ में आ रहा है? जल्दी अब आपका PH2 शुरू हो गया है, जल्दी अब आपको नया बैच मिलने वाला है। कोई न्यू स्टूडेंट है इसमें बैठा हुआ? हाथ उठाए, आप ही हैं, ठीक है। आप लोग भी हैं, आप लोगों को जल्दी ही नया बैच मिल जाएगा, इसमें अगले बैच में भी हमारे बैठिएगा। ट्रिग्नोमेट्री चल रही है, थोड़ा बहुत कुछ तो सीखेंगे, भले ये नहीं समझ में आया होगा लेकिन कुछ तो चीजें सीखेंगे ही, ठीक। बैठिएगा, आ रहा हूं 15 मिनट में।